हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी द्वारा लिखा गया है। प्रार्थना क्यों जरूरी है, जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसकी 17 और 18 आयत में लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जैसे हमें अपने कारोबार में तरक्की चाहिए तो हम अपनी कमाई का दशमांश परमेश्वर के घर में बोते हैं, वैसे ही हमें समय का दशमांश भी बोना है। पर यह बात लोग भूल जाते हैं कि हमारे रोज के 2.5 घंटे का समय परमेश्वर के लिए हमारा दशमांश है। याद रखें, परमेश्वर ने हमें बीमारी, परेशानी और शैतान को डांटने के अधिकार दिए हैं, पर जब तक आप उन अधिकारों को बाइबल में से पढ़ेंगे नहीं और प्रार्थना में अधिकारों को बोलेंगे नहीं, तो फिर आप अपनी बीमारी परेशानी से कैसे आजाद हो सकते हैं। पर जब आप उन अधिकारों को पढ़ते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, फिर आप हर एक बीमारी परेशानी से आजाद होते हैं। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना नहीं करते फिर आपकी जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, उनको खत्म करने के लिए आपको प्रार्थना करनी जरूरी होती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के दिल के बारे में जानते हैं और उसकी योजना को समझते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। यह मत सोचें कि अगर आपने परमेश्वर के गीत गाए तो आपने प्रार्थना कर ली, या आपने काम करते समय मसीह गीत लगाए हैं और साथ में गा रहे हैं तो ये प्रार्थना है। नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना वह है जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप अपने काम पर मसीह गाने सुनना बंद कर दें। आप अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, पर वह समय भी आपके पास होना चाहिए जब आप परमेश्वर के सामने बैठे और कोई काम ना करें। सिर्फ मुश्किलों के समय में ही परमेश्वर के सामने ना बैठें। जब सब कुछ सही है तब भी परमेश्वर की हजूरी में बैठना ना छोड़ें। बाइबल में जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे। उनके जीवन में प्रार्थना का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। वह आधी रात को जंगल में अकेले प्रार्थना करते थे, इसलिए उन्होंने उस काम को पूरा किया जो पिता ने उनको दिया था। प्रभु यीशु मसीह के उस काम की वजह से ही हमें उद्धार मिला। बाइबल में हम जितने भी परमेश्वर के दासों, नबियों और चेलों के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रार्थना का उनके जीवन में बहुत बड़ा स्थान था। वह अपने जीवन में प्रार्थना को पहला स्थान देते थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक बीमारी, परेशानी, दुख से आजाद हों और परमेश्वर की योजना को पूरा करें, तो हर रोज प्रार्थना करें। हर रोज 2.5 घंटे का दशमांश परमेश्वर को जरूर दें, क्योंकि प्रार्थना आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हर रोज के समय का दशमांश निकालूंगा, प्रार्थना में बढ़ूंगा और आपके कामों को करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें और इस वचन को अन्य लोगों के साथ जरूर बांटें।